नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया टीम में आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में कोरोना वायरस को लेके काफ़ी देशवासी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो कोरोना वायरस से पीड़ित ना हुआ हो। मतलब पीड़ित का मतलब ये नहीं कि उसके घर में कोई वायरस का मरीज पाया गया था, कोई वायरस के मरीज के द्वारा परेशान था, कोई भुखमरी से परेशान था, कोई नौकरी या व्यापार को लेकर परेशान था, हर घर में कोरोना वायरस का कहीं ना कहीं असर था। इसको लेकर भारतवासियों ने काफ़ी संगठन बनाया, काफ़ी दूर दूर तक यात्रा की, अपने घर तक गए, काफ़ी बहुत हंगामा हुआ इस चीज़ को लेकर। लेकिन फाइनली जाके कोरोना वायरस पर हमने एक मजबूती पाई, पूरे देशवासियों ने मिलजुल के इस पर एक मजबूती पाई और कोरोना वायरस से हमने एक फाइट की, लड़ाई की और कोरोना वायरस को हराया। दोबारा से कोरोना वायरस हमारे देश में आया, दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा बेकार हुआ और इससे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई और हमारे प्रगति मीडिया ने भी इस पर समाज सेवक तरीके से हर तरह से प्रयास किया लोगों की मदद करने के लिए, और भी कई संगठन थे जिन्होंने प्रयास किया। अब दूसरी लहर आने के बाद में सब लोगों का कहना था कि भैया तीसरी लहर भी आएगी। अब तीसरी लहर क्या है, आज हम इन चीज़ों पर ही चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे ओमिक्रॉन वायरस भारत में प्रवेश कर चुका है, बाहर से जो यात्रा आ रही हैं, बाहर से जो फ्लाइट से आ रही हैं, उनके द्वारा जो यात्री आ रहे हैं उनके द्वारा ये वायरस पाए जा रहे हैं। वही सिलसिला आप थोड़ा सा याद कीजिए कि कोरोना वायरस का भी कुछ ऐसा ही था। आगरा के रहने वाले थे, वो बाहर से यात्रा करके आए थे, उनका भी एक पेशेंट पाया गया था। तो धीरे धीरे करके ये मामला शुरू हो रहा है। अब हमारी ये वीडियो बनाने का हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें हम जानेंगे कि ओमिक्रॉन वायरस में वायरस में जो खतरा है वो किस तरह का है, जो इसमें सिस्टम्स हैं वो किस तरह के हैं और इसमें आपको सेफ्टी क्या रखनी चाहिए और आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है। सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्टर्स का क्या कहना है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। लोगों का, डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि ये वायरस अभी इतना खतरनाक नहीं पाया गया है कि इससे भारत में ज़्यादा डर बनाया जा सके, लेकिन कोरोना वायरस के जिस तरह से हमने संगठन को देखा है उस तरह से हमें अपने आप को सावधानी बरतनी चाहिए और ओमिक्रॉन वायरस से भी हमको बच के रहना चाहिए। डॉक्टर्स इसको इतना भी खतरनाक नहीं मान रहे हैं जिससे कि लॉकडाउन जैसी स्थिति भी लगाई जाए। राजनीतिक संगठन भी इस पर इतनी गंभीर चर्चा नहीं ले रहे हैं कि इस पर लॉकडाउन लगाया जाए। अब बात करते हैं भारत के नॉर्मल वासियों की, हम जैसे लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की। बाज़ार में आप देख सकते हैं लोगों की इतनी भीड़ है, लोग बिना मास्क के जा रहे हैं, लोगों को किसी भी कोई चीज़ की चिंता नहीं है। कोरोना वायरस की जब सेकेंड लहर आई थी, कई जगह पे तो ऐसे थी कि लोग शमशान के बाहर तक लोगों की लाइन लगी हुई है और कई जगह तो ऐसा था कि 100 लोगों की भीड़ ऐसी जगह पे जहाँ पे केवल 10 लोग चल सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। कुछ लोग लापरवाह थे या कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी से या अपने परिवार से हाथ धो चुके थे, उन लोगों को, उनके परिवार को ही पता है कि क्या हालत थी। तो हमें इस चीज़ पर सावधानी बरतनी चाहिए और यही राजनीतिक संगठन और डॉक्टर्स का कहना है कि हमें वायरस को देखते हुए, पुराने वायरसों को देखते हुए हमें भी इस पर संगठन अपनी स्थिति सावधानी बरतनी चाहिए। अब इसके हमने ओमिक्रॉन वायरस के हम इसके लक्षण जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके नॉर्मल लक्षण होते हैं जैसे कि कोरोना वायरस के थे, आपके गले में खराश, आपके बॉडी पेन होना, आपके शरीर में थकावट होना, सिर दर्द करना, आपको कमजोरी महसूस होना, इसके कुछ लक्षण पाए गए हैं ओमिक्रॉन वायरस के। और इसकी सावधानी क्या है, सावधानी वही है जो आपके कोरोना वायरस की थी। आपको समय समय पर हाथ धोना चाहिए, अपना मास्क लगा के रखें, लोगों से दूरियां बना के रखें, लोगों से कम आना जाना बाहर करें, जहां आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा आपको कंजेशन एरिया लग रहा है वहां आप ना जाएं, भीड़ भाड़ क्षेत्र में ना जाएं और अपने आप को सुरक्षित बना के रखें। तो दोस्तों, आज हमने कुछ ओमिक्रॉन वायरस से संबंधित कुछ जानकारी हमने पाई है। आप सभी से बस हमारा यही कहना है कि आप अपनी सावधानी खुद बना के रखें। हम सभी देशवासी 2 साल तक कोरोना वायरस से काफ़ी पीड़ित हो चुके हैं और काफ़ी दिक्कतें हमने झेली हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी परिवार को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को इस वायरस के द्वारा दोबारा दिक्कत हो। धन्यवाद।